हेलो गाइस, सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है GLA यूनिवर्सिटी। ये मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि किस कोर्स की कितनी फीस रहेगी और कितने टाइम का रहेगा और क्या क्या इसके प्रोसीजर रहेंगे, पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस कोर्स की बात करते हैं बीटेक की, यहाँ पर बीटेक देखिएगा आपका लगभग 4 साल का रहने वाला है। सबसे पहले ये देखिएगा, 4 साल का कोर्स रहेगा आपका, ठीक है। वो फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा यहाँ पर 1,75,000 रुपये रहेगा, सेकंड ईयर का 1,67,000 रुपये भाई, थर्ड ईयर का 1,70,000 और फोर्थ ईयर का 1,73,000। तो यहाँ पर जो आपका जो टोटल अमाउंट बनता है यहाँ पर 6,85,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 16 स्ट्रीम मिल जाते हैं यहाँ पर। मैं कुछ स्ट्रीम के नाम बता देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर मैंने 3 बता दिया, अदरवाइज 16 स्ट्रीम है। अगर आपको पता करनी है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। तो ये 4 साल का कोर्स रहेगा, आपको लगभग 6,85,000 रुपये में कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग MBA करना चाहते हैं अदरवाइज MBA कर सकते हैं। MBA का यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है 2,23,000 रुपये रखा गया है, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रखा गया है 2,23,000 रुपये रखा गया और सेकेंड ईयर का 2,15,000 रुपये। टोटल जो अमाउंट निकल के आता है यहाँ पर 4,38,000 रुपये निकल के आता है, यानी कि 4,38,000 आपको 2 साल के अंदर पे करने पड़ेंगे। तो MBA का कोर्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, PGPSM पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामिंग कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 5 लाख रुपये चार्ज रहेगा 1 साल का, ठीक है। तो 5 लाख रुपये आज यहाँ पर चार्ज रहेगा, तो आप यहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं दोस्तों। जो लोग बीटेक करना चाहते हैं अदरवाइज बीटेक कर सकते हैं। बीटेक के यहाँ पे जो चार्ज रखा गया है 1,53,000 रुपये रखा गया है, यहाँ पर 1,53,000 रुपये रखा गया। तो और आपको बता दूँ, फर्स्ट ईयर का चार्ज है आपका ये बीटेक का लैटरल से। आपका ये सिर्फ 3 साल का कोर्स रहेगा, लैटरल वाला जो बीटेक कोर्स है आपका 3 साल का रहेगा। और यहाँ पर 1,53,000 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का 1,56,000 रुपये, थर्ड ईयर का 1,59,000 रुपये। और यहाँ पर जो आपका टोटल अमाउंट बनता है वो यहाँ पर 4,68,000 रुपये बनेगा, यानी कि जो टोटल अमाउंट है 4,68,000 रुपये में कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा। जो लोग BSc करना चाहते हैं अदरवाइज BSc कर सकते हैं। BSc का जो चार्जिंग अमाउंट रखा गया है वो यहाँ पर 41,000 रुपये रखा गया है, और सेकंड ईयर का 42,000 रुपये, थर्ड ईयर का 42,000 रुपये। और जो टोटल अमाउंट रखा गया है यहाँ पर 1,26,000 रुपये, यानी कि 3 साल के अंदर आपको 1,26,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर 4 स्ट्रीम मिल जाते हैं, और ये कोर्स आपका 3 साल का रहेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर BBA की बात करेंगे, जो लोग BBA करना चाहते हैं BBA कर सकते हैं। BBA का जो अमाउंट रखा गया है यहाँ पर 1,33,000 रुपये रखा गया है फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर का 1,24,000 रुपये, और थर्ड ईयर का 1,26,000 रुपये। यानी कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है 3,83,000 रुपये, यानी कि 3 साल के अंदर आपको 3,83,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो लोग BCom होनेस्ट साइड से करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा 1,33,000 रुपये रहेगा, यानी कि 1,33,000 रुपये फर्स्ट ईयर चार्ज रहेगा, और सेकंड ईयर का 1,24,000 रुपये, थर्ड ईयर का 1,26,000 रुपये। और जो टोटल अमाउंट रहेगा यहाँ पर 3,83,000 रुपये रहेगा। तो आप यहाँ से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स कर सकते हैं। जो लोग BA करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स से, तो कर सकते हैं यहाँ पर। ये भी कोर्स आपका 3 साल का रहेगा, तो जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा 79,000 रुपये रहेगा, और सेकंड ईयर का 70,000, वही सेम चार्ज आपका थ्री ईयर को 72,000। टोटल जो अमाउंट रहेगा यहाँ पर आपका 2,21,000 रुपये, यानी कि 2,21,000 रुपये आपका BA कंप्लीट हो जाएगा 3 साल का। तो आप यहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग BEd करना चाहते हैं BEd कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा यहाँ पर 65,000 रुपये रहेगा, और सेकंड ईयर का 59,000 रुपये, यानी कि जो टोटल अमाउंट यहाँ पर बनेगा आपका 1,24,000 रुपये, यानी कि 2 साल के अंदर आपको 1,24,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं। जो लोग BCA करना चाहते हैं अदरवाइज BCA कर सकते हैं। यहाँ पर जो BCA की फीस रखी गई है वो यहाँ पर 1,02,000 रुपये रखी गई, और सेकंड ईयर की 93,000 रुपये, थर्ड ईयर की 95,000 रुपये, यानी कि जो टोटल अमाउंट आपका बनेगा 3 साल के अंदर BCA का 2,90,000 रुपये आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, BCom और LLB, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, BCom और LLB दोनों ही कोर्स एक साथ होने वाले हैं। तो ये कोर्स आपका 5 साल के रहने वाले हैं, ठीक है, 5 साल के रहेंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा 1,20,000 रुपये, सेकेंड ईयर का 1,12,000 रुपये, थर्ड ईयर का 1,15,000, और फोर्थ ईयर का 1,18,000, फाइव ईयर का 1,21,000।
यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट रहेगा 5,86,000 रुपये, यानी कि 5,86,000 रुपये 5 साल में देना पड़ेगा। और आपका यहाँ पर क्या होगा कि दोनों ही कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि बीकॉम और एलएलबी की दोनों की डिग्री आपकी बन जाएगी। जो लोग बी फार्मा करना चाहते हैं लैटरल से कर सकते हैं, बी फार्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो इन बी फार्मा की जो फीस रखी है वो यहाँ पर 1,53,000 रुपये रखी गई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 1,45,000, थर्ड ईयर 1,48,000। यहाँ पर इसका जो टोटल अमाउंट बनेगा 4,86,000 रुपये, यानी कि 3 साल के अंदर आपको 4,86,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर बीए और एलएलबी, यानी कि बीए और एलएलबी एक साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा यहाँ पर 1,20,000 रुपये रहेगा, सेकेंड ईयर का 1,12,000 रुपये, थर्ड ईयर 1,15,000 रुपये और फोर्थ ईयर 1,18,000 रुपये, फाइव ईयर 1,21,000। जो टोटल अमाउंट यहाँ पर रहेगा आपका ये 5,86,000 रुपये कंप्लीट हो जाएगा, और ये 5 साल का कोर्स रहेगा। बीए और एलएलबी की दोनों की डिग्री आपकी बन जाएगी। जो लोग सिर्फ बीबीए करना चाहते हैं, अदरवाइज खाली आप बीबीए करना चाहते हैं तो बीबीए कर सकते हैं। बीबीए का यहाँ पर जो कोर्स है वो आपका 3 साल का रहेगा। फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा 1,33,000 रुपये, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहने वाला 1,33,000 रुपये, सेकेंड ईयर 1,24,000 और थर्ड ईयर 1,26,000 रुपये। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आपका निकल के आता है 3,83,000 रुपये 3 साल के अंदर पे करना पड़ेगा आपको। जो लोग बी फार्मा करना चाहते हैं अदरवाइज बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा की जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा 1,50,000 रुपये, सेकेंड ईयर 1,42,000, थर्ड ईयर 1,45,000, फोर्थ ईयर 1,48,000। टोटल जो अमाउंट रहेगा आपका यहाँ पर 5,85,000 रुपये, यानी कि 5,85,000 रुपये में बी फार्मा का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। 4 साल का कोर्स रहने वाला है। बीबीए और एमबीए जो लोग ये कोर्स एक साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। बीबीए और एमबीए इसका जो चार्जिंग अमाउंट रखा गया है फर्स्ट ईयर का 1,75,000 रुपये रखा गया और सेकंड ईयर का 1,67,000 रुपये, और जो टोटल अमाउंट दिखेगा यहाँ पर मैंने बताया फाइव ईयर का 1,00,000, वही सेम चार्ज रहने वाला है 1,70,000 थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 1,73,000 रुपये, फाइव ईयर 1,76,000 रुपये। टोटल जो अमाउंट यहाँ पर निकल के आता है 8,61,000 रुपये, यानी कि 8,61,000 रुपये में आपका बीबीए और एमबीए दोनों ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगी। जो लोग एमटेक करना चाहते हैं अदरवाइज एमटेक कर सकते हैं। एमटेक की जो फीस रखी है वो यहाँ पर 1,75,000 रुपये रखी गई है, सेकंड ईयर की 1,67,000 रुपये, टोटल जो अमाउंट रखा गया है यहाँ पर 3,42,000 रुपये रखा गया है। तो आप यहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं। जो लोग एमएससी करना चाहते हैं एमएससी कर सकते हैं। एमएससी की यहाँ पर जो फीस रखी है फर्स्ट ईयर की, एमएससी की जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की फीस रखी गई वो यहाँ पर 67,000 रुपये रखी गई और सेकंड ईयर 57,000 रुपये। टोटल जो अमाउंट निकल के आता है यहाँ पर 1,24,000 रुपये, यानी कि 1,24,000 रुपये में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2 साल का। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग एम फार्मा करना चाहते हैं एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा की जो फीस रखी गई 1,75,000 रुपये रखी गई है, 1,75,000 रुपये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की 1,67,000 रुपये, यानी कि 2 साल की जो फीस रखी गई यहाँ पर 1,67,000 रुपये रहेगी। टोटल यहाँ पर जो अमाउंट रहेगा 3,42,000 रुपये, यानी कि 3,42,000 रुपये में आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एमए जो लोग इंग्लिश साइड से करना चाहते हैं एमए कर सकते हैं। एमए की जो फीस रखी है यहाँ पर 42,000 रुपये रखी गई और सेकेंड ईयर की 32,000 रुपये। टोटल जो अमाउंट रखा गया यहाँ पर 74,000 रुपये रखा गया। तो आप यहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं, यानी कि 74,000 रुपये में आपके ये 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एमसीए करना चाहते हैं एमसीए की कर सकते हैं। एमसीए के जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रखा गया है वो यहाँ पर 1,53,000 रुपये रखा गया और सेकंड ईयर 1,56,000 और थर्ड ईयर 1,59,000। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहेगा 4,68,000 रुपये, यानी कि 3 साल के अंदर आपको 4,68,000 रुपये पे करना पड़ेगा। जो लोग एमसीए करना चाहते हैं अदरवाइज एमसीए कर सकते हैं। लेटरल से यहाँ पर जो चार्ज रहेगा फर्स्ट ईयर का 1,42,000 रुपये रहेगा और सेकेंड ईयर का 1,34,000 रुपये, और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट रहेगा यहाँ पर 2,76,000 रुपये, यानी कि 2 साल के अंदर आपको 2,76,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आपका यह एमसीए कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं अदरवाइज पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी की जो फीस रखी गई है वो यहाँ पर 71,000 रुपये रखी गई है और सेकेंड ईयर की 60,000 रुपये, थर्ड ईयर 60,000 रुपये, यानी कि यहाँ पर जो आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा 1,91,000 रुपये, यानी कि 3 साल के अंदर आपको 1,91,000 रुपये पे करना पड़ेगा। जो लोग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक, यानी कि डिप्लोमा करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक से कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा 74,000 रुपये और सेकंड ईयर का 69,000 और थर्ड ईयर का 70,000, यानी कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आता है यहाँ पर 2,13,000 रुपये, और यहाँ पर आपको 6 स्ट्रीम मिलते हैं सिविल, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, काफ़ी हैं और दो और भी हैं। तो बाय द वे 3 साल का कोर्स रहेगा आपको और 2,13,000 रुपये में कम्प्लीट हो जाएगा।
एडवांस डिप्लोमा है इंजीनियरिंग, यानी कि एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक से, तो कर सकते हैं इंजीनियरिंग का कोर्स। एक साल का कोर्स रहेगा और 62,000 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि एक साल के अंदर आपको 62,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर टू स्ट्रीम मिलते हैं, टूल एंड टाइम मेकिंग और CNC कैड कैम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं। यहाँ पर 57,000 एक साल की फ़ीस रहेगी, यानी कि एक साल का ही कोर्स रहेगा, 57,000 रुपये चार्ज रहेगा। और यहाँ पर दो साल, यहाँ पर टू स्ट्रीम मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर फिटनेस मैनेजमेंट और योगा, तो आप यहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं। जो लोग डिप्लोमा इन डी फार्मा, सॉरी दोस्तों सीधे बात करते हैं, डी फार्मा जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रखा गया यहाँ पर 1,14,000 रुपये रखा गया, और सेकंड ईयर का 1,10,000, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट बनता है 2,24,000 रुपये। और ये दो साल का कोर्स रहेगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। जो लोग सर्टिफिकेट का कोर्स करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका चार्जिंग अमाउंट रखेगा 50,000 रुपये रखेगा, टोटल अमाउंट यहाँ पर 50,000 रुपये रहेगा, क्योंकि एक साल का ही कोर्स रहेगा। यहाँ पर एक 6 मंथ का कोर्स रहेगा 40,000 रुपये में होने वाला है, और सर्टिफिकेट का कोर्स रहेगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जहाँ जी दोस्तों बताएंगे वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। अगर आपको कोई भी जानकारी अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से बता देने में माहिर बन जाऊँगा थोड़ा सा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए एक बार हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट कीजिएगा, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो देख लें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।